वेलकम टू यू एस सी एस फोन क्लासेस फ्रेंड, आम मुकेश 90 डेज की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आज हम लोगों का है 7वां दिन। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ विल इन सिंपल फ्यूचर टेंस, इट मीन दैट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वॉन्ट टू नो दिस, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। वॉट वी आर गोइंग टू लर्न, लेट मी टेल यू फर्स्ट। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विल यू मैरी मी, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। यस आई विल मैरी यू, नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। नो आई वॉन्ट मैरी यू। विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे? यस आई विल, हाँ मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। नो आई वॉन्ट, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। विल यू लिव इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में रहोगे? यस आई विल लिव इन दिल्ली। नो आई वॉन्ट लिव इन दिल्ली, हाँ मैं दिल्ली में रहूँगा, नहीं मैं दिल्ली में नहीं रहूँगा। वेयर विल यू लिव, तुम कहाँ रहोगे? आई विल लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहूँगा। नो आई वॉन्ट लिव इन दिल्ली, नहीं मैं दिल्ली में नहीं रहूँगा। बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव इन मुंबई, दैट्स वाई आई विल लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहना चाहता हूँ इसीलिए मैं मुंबई में रहूँगा। इफ़ यू वॉन्ट टू नो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आंसर, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या वो मुझसे शादी करेगी? नहीं वो तुमसे शादी नहीं करेगी। क्या मेरे पिताजी मेरा सपोर्ट करेंगे? क्या तुम यहाँ पर कल आओगी? क्या वह कल मुंबई जाएगी? तो इन सारे सेंटेंस में गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, इन सारे सेंटेंस का एंडिंग वर्ड जो है वो वर्ब के साथ गागेगी से कंप्लीट हुआ है। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में गागेगी आए, यानी वर्ब के साथ गागेगी आए, तो वो समझ लीजिएगा वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। लेट मी टेल यू द डिफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। When the action will take place at the particular time in the future, that is called future indefinite tense. तो ये future indefinite tense का definition हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि sentence जो भी होते हैं वो 6 category में divide होते हैं, या तो वो affirmative होगा, negative, interrogative, interrogative negative, WH family and WH family negative। ये 6 तरह के category का sentence होता है, और कोई भी sentence हो ये 6 category से वो बाहर नहीं होगा। First of all we talk about अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? आई वी यू दे ही सी इट, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, दीज ऑल आर सब्जेक्ट। उसके बाद राइट करेंगे विल। सेल, सेल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में क्या गया है फ्रेंड, सेल का यूज जो है कम्प्लीटली लोग करना बंद कर चुके हैं। लेकिन जब आप रिटेन में लिखें तो आई और वी के साथ सेल लगाएं, आई और वी के साथ सेल लगाए, उसके बाद सभी सब्जेक्ट के साथ अब विल लगाएंगे। लेकिन अब स्पीकिंग हम लोग, बिकॉज वी आर लर्निंग हेयर स्पोकन, हम लोग यहाँ पर स्पोकन सीख रहे हैं इंग्लिश का, इसीलिए हम लोग सभी के साथ विल का यूज करेंगे और कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद राइट करेंगे वी वन, क्योंकि ये सेल और विल जो है फ्रेंड्स ये एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद आने वाली वर्ब्स हमेशा वी वन होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके बाद सेंटेंस का अदर पार्ट ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, आई को लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं को बोलते हैं आई। उसके बाद सेकेंड में राइट किए विल, क्योंकि विल लगता है। उसके बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है बोलना, बोलना को बोलते हैं स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश। तो सेंटेंस हमारा हो गया आई विल स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट आ जाते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की। नेगेटिव स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ विल के बाद नोट लगा देंगे। सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे विल, और थर्ड नंबर में लगाएंगे नोट, क्योंकि नोट जो होता है फ्रेंड्स हमेशा थर्ड नंबर में ही राइट किया जाता है। उसके बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट राइट करेंगे ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, इसी एग्जांपल को लेते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। सेंटेंस में नहीं आ गया है, अगर नहीं नहीं हो तो वो अफर्मेटिव हो जाएगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। तो सेंटेंस में मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, I will not speak English. In short, I won't speak English. तो यहाँ पर फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, will plus not को जब contraction दिखाना हो, उसको short करना हो, short form write करना हो, तो उसमें बोलते हैं won't. ये want नहीं, want मतलब तो चाहना होता है, W-A-N-T. ये है want, W-O-N apostrophe T. तो इसको बोलते हैं want.
आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। इस सेंटेंस में सबसे पहले राइट किए सब्जेक्ट है आई, उसके बाद विल लगाए और थर्ड नंबर में जैसे कि बताए थे कि नोट लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश राइट कर दिया, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में विल को आगे कर देंगे, सिर्फ विल को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट को बात कर देंगे, मतलब विल और सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे एक दूसरे के जगह। तो स्ट्रक्चर हमारा होगा, सबसे पहले राइट करेंगे विल, उसके बाद राइट करेंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। इसी एग्जांपल को और एक बार लेते हैं, क्या मैं अंग्रेजी बोलूँगा, क्या मैं अंग्रेजी बोलूँगा। तो इस सेंटेंस में सेंटेंस स्टार्ट हुआ है क्या से और लास्ट में क्वेश्चन मार्क से एंडिंग हुआ है। जब भी सेंटेंस क्या से शुरू हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो ऐसे वाक्यों को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में इसको किस तरह से फॉर्म करेंगे, स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को राइट करना है विल, विल राइट किए, उसके बाद राइट करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, आई राइट किए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। विल आई स्पीक इंग्लिश, विल आई स्पीक इंग्लिश, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ विल आई स्पीक इंग्लिश, तो यस यू विल स्पीक इंग्लिश, नो यू वॉन्ट स्पीक इंग्लिश। तो कम टू इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या तुम यहाँ नहीं आओगे, क्या तुम यहाँ नहीं आओगे। इस सेंटेंस में गौर कीजिएगा, सेंटेंस स्टार्ट हुई है क्या से और कहीं पर नोट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क से एंडिंग हुआ है। जब भी सेंटेंस क्या से शुरू हो और कहीं पर भी नोट लगा हो और लास्ट में सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से कंप्लीट हो रहा हो तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले राइट करेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट, थर्ड नंबर में नोट, क्योंकि नोट हमेशा थर्ड नंबर में आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया स्ट्रक्चर सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। क्या तुम यहाँ नहीं आओगे, विल यू नॉट कम हेयर, विल यू नॉट कम हेयर, इन शॉर्ट वॉन्ट यू कम हेयर, वॉन्ट यू कम हेयर। नाउ कम टू डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे वर्ड जो हैं डब्ल्यू एच फैमिली कहलाते हैं। यदि ये वर्ड किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो उसको डब्ल्यू एच फैमिली के कैटेगरी में रखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, सबसे पहले राइट करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद राइट करेंगे विल, थर्ड नंबर में राइट करेंगे सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर में राइट करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, तुम कब शादी करोगे, व्हेन विल यू मैरी, When will you marry? Sentence स्टार्ट हुआ है when से, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली हमारा है when, उसके बाद सेकेंड नंबर में राइट करते हैं will, थर्ड नंबर में राइट करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है you, उसके बाद verb का फर्स्ट फॉर्म, वो क्या है, शादी करना, शादी करना को बोलते हैं marry, when will you marry? तो sentence कंप्लीट हो गया, तुम कब शादी करोगे। आज का हम लोग का पहला sentence है, क्या तुम यहाँ पढ़ोगे, तो सबसे पहले राइट करेंगे will, ठीक है, सेकेंड में राइट करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हो गया, विल यू रीड हेयर, क्या तुम यहाँ पढ़ोगे, मैं यहाँ पढ़ूंगा, यस आई विल रीड हेयर, इन शॉर्ट यस आई विल, नहीं मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, नो आई वॉन्ट रीड हेयर, इन शॉर्ट नो आई वॉन्ट, नहीं मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा। यस शॉर्ट में भी आप जवाब दे सकते हैं और लॉन्ग में भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर क्या होते हैं, वो हमेशा शॉर्ट में जवाब देते हैं। सेंटेंस चाहे क्वेश्चन जो हो कितना भी लॉन्ग क्यों ना हो, आंसर उसका शॉर्ट ही होगा। हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी सीख रहे हैं इसीलिए हम लोग लॉन्ग लॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे और शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा किस तरह से आप शॉर्ट में जवाब दे सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाते हैं, क्या वह मुझसे शादी करेगी, सेंटेंस हुआ है क्या वह मुझसे शादी करेगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि पहला तो राइट करेंगे विल, विल राइट किए, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वह यहाँ पर फीमेनिन है इसीलिए सी राइट करेंगे, विल सी, उसके बाद वह का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है, शादी करना को बोलते हैं मैरी, मैरी राइट कर दिया, मुझसे तो मी, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, विल सी मैरी मी, हाँ वह तुमसे शादी करेगी, हाँ वह तुमसे शादी करेगी, यस सी विल मैरी यू, यस सी विल मैरी यू, नहीं वो तुमसे शादी नहीं करेगी, नो सी वॉन्ट मैरी यू, नो सी वॉन्ट मैरी यू, इन शॉर्ट यस सी विल, नो सी वॉन्ट, ये हो गया शॉर्ट वाला। अब नेक्स्ट एग्जांपल आ जाते हैं, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। तो इस सेंटेंस में फ्रेंड्स कब क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली है, डब्ल्यू एच फैमिली को पहले राइट करेंगे वैन, उसके बाद राइट करेंगे है विल, क्योंकि सब में विल आएगा, विल राइट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है तुम, तुमको बोलते हैं यू,
यू राइट कर दिए, करेंगे वर्ब। वर्ब क्या? आना। आना को बोलते हैं कम। तो व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तो सेंटेंस को हम किसी से टाइम पूछ रहे हैं, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। सपोज दैट मैं कहूँगा मैं दिवाली में आऊँगा, मैं दिवाली में आऊँगा, आई विल कम ऑन दिवाली, आई विल कम ऑन दिवाली। मैं जनवरी में आऊँगा, आई विल कम इन जनवरी। मैं सोमवार को आऊँगा, आई विल कम ऑन मंडे। तो इस तरह से हम लोग उसका आंसर देंगे। जब भी कोई तुमसे पूछेगा कि तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, आई विल कम ऑन होली, मैं होली पर आऊँगा। वह क्यों अंग्रेजी नहीं बोलेगी? वाई विल सी नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई विल सी नॉट स्पीक इंग्लिश, इन शॉर्ट वाई वॉन्ट सी स्पीक इंग्लिश। विल प्लस जब नॉट को मिला देंगे तो बोलेंगे वॉन्ट, वाई वॉन्ट सी स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे। सर हमें ये बताइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रैक्टिस किस तरह से किया जाता है। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अंग्रेजी बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलूँगा, विल आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, वॉन्ट आई स्पीक इंग्लिश, कैसे मैं अंग्रेजी बोलूँगा, हाउ विल आई स्पीक इंग्लिश, कैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, हाउ वॉन्ट आई स्पीक इंग्लिश, क्यों मैं अंग्रेजी बोलूँगा, वाई विल आई स्पीक इंग्लिश, क्यों मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, वाई वॉन्ट आई स्पीक इंग्लिश। तो देखा इस तरह से प्रैक्टिस होता है। हम लोग को हिंदी नहीं बोलना, एक ही साथ हम लोग सिर्फ इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे। I will speak English, I won't speak English, will I speak English, won't I speak English, how will I speak English, how won't I speak English, where will I speak English, where won't I speak English, why will I speak English, why won't I speak English, at what time will I speak English, at what time? वह कल आएगी, she will come tomorrow, she won't come tomorrow, will she come tomorrow, won't she come tomorrow, how will she come tomorrow, how won't she come tomorrow, why will she come tomorrow, why won't she come tomorrow, where will she come tomorrow। देखा फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू रिप्लाई आंसर। So if you really like this video, please like, comment and subscribe and don't forget to press the bell icon and don't forget to share my video. Thanks for watching video friends.